उनको नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वो विक्षिप्त अवस्था में पाए जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे पूरा का पूरा। उनको बचाना हम सबका एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से। 12,000 से ज़्यादा युवा भाई उस दिन कार्यक्रम में आएंगे, बहुत सारे युवा भाई आएंगे, बहुत सारे लोग आकर के बैठेंगे सुनेंगे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हम आप वहाँ पर जाएंगे तो जितनी सारी बातें वहाँ पर हो उन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे टिप्स वहाँ दिए जाएंगे, उनके द्वारा जीवन से संबंधित सारी समस्याओं के बारे में जो कि एक युवा लाइफ में आता है वो सारी समस्याओं का समाधान वो वहाँ से देंगे जो कि एक युवा के जीवन में अपने स्टडी पीरियड में वो आता है। उन सारी बातों पर वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे और उनके डिस्कस में जो पावर होता है, आपको मौका मिले तो यूट्यूब पर भी उनका नाम डाल करके सर्च करके उनको आप सुन सकते हैं। विश्व के तमाम ऐसे देश जहाँ पर स्टूडेंट्स का एक वैसा समूह होता है वहाँ पर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, टेक्सास, तमाम यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर हो चुका है। पूरे ऐतिहासिक जगहों पर उनका लेक्चर हुआ, भारत में JNU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम जगहों पर उनका लेक्चर हुआ। मेडिकल कॉलेज में जितने सारे रेपुटेड मेडिकल कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में उनका लेक्चर हुआ। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हम सबके बीच आ रहे हैं, उनको सुनेंगे और उनकी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास हम आप करेंगे। और उनकी जो बातें वहाँ पर होंगी उसको अगर एक बार अपने जीवन में बारीकी के साथ ग्रहण किया गया, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया गया तो आप देखेंगे कि जीवन का जो गति है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ता हुआ निखरता हुआ चला जाएगा। मित्रों, जीवन में सफलता अगर पाना है तो सबसे बड़ी जरूरत होती है हमारे अंदर आत्मविश्वास कितना है, हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, हमारे पास आत्मबल की पूंजी है कि नहीं है, या फिर हम 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए तो केवल अपने आप को उठा करके युवा की श्रेणी में खड़ा किए हुए हैं। अगर केवल हमारे जीवन में इतना एनर्जी है कि युवा की श्रेणी में अपने आप को खड़ा कर करके रखे हैं, आत्मबल नहीं है, तो वास्तविक रूप से हम युवा कहलाने के हकदार नहीं है। युवा कहलाने का हकदार तो एक 8 साल का बच्चा था, उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों का बढ़िया पूरा गुलाम था, उस समय एक सती प्रथा जो था वो क्लाइमेक्स पर चढ़ा हुआ था। सती प्रथा में होता क्या था, जिस औरत का पति मर जाता था उसको जबरदस्ती आग में डाल दिया जाता था, उसको जलने के लिए विवश कर दिया जाता था। जीती जागती औरत को सती हो जाना पड़ता था अगर उसका पति किसी कारणवश मर गया तो। सती प्रथा क्लाइमेक्स पर थी। एक छोटा सा लड़का था 8 साल का, उसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, उसका बड़ा भाई जब मरता है तो उसकी भाभी के ऊपर लोग जबरदस्ती करके कहते रहे, तेरा तो पति मर गया, अब तुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, तू भी जा और जा करके सुसाइड कर ले, तू भी जा जा करके आग में कूद करके अपनी जान को दे दे। वो सोचती है कि साहब आग में जबरदस्ती कर रहा है, मेरा मन नहीं है आग में जलने का, ये तो मुझे ऐसे ही सारे लोग जला करके मार डालेंगे। उस घर के बाहर लोग जाते हैं, चिता सजा देते हैं, लकड़ियाँ सजा दी जाती है, लकड़ियों में आग लगा दिया जाता है, चिता सज करके तैयार है, धधकता हुआ चिता है, घर के लोग अंदर जाते हैं और उस औरत को पकड़ के ले आते हैं और ज़बरदस्ती आग में ढकेल दिया जाता है। आग में ज़बरदस्ती ढकेल दिया गया, पूरा उसका शरीर जलने लगा, छटपटाहट के मारे वो आग जलता हुआ शरीर लेकर के आग से बाहर निकल जाती है। गांव वाले इतने क्रूर थे, उसके परिवार वाले इतने क्रूर थे, ज़बरदस्ती उसको बांस से ढकेल ढकेल करके आग में दोबारा डाल दिया जाता है जब तक वो पूरी तरह जल करके मर नहीं जाती है। एक छोटा सा 8 साल का बालक वहाँ पर खड़ा हुआ इन सारी चीज़ों को देख रहा था, मात्र उम्र कितना 8 साल, वो खड़ा होकर के इन सारी चीज़ों को देख रहा था। मन में उसने संकल्प बनाया कि इस चीज़ को मैं जड़ से उखाड़ करके ख़त्म कर दूंगा। मन में उसने ये संकल्प बनाया, ये सती प्रथा जिसके चलते हमारी भारत के माताओं और बहनों को जीते जागते आग में जलना पड़ता है, आग में जल करके मरना पड़ता है, मैं इस सती प्रथा को समाप्त कर करके रखूंगा। और वो लड़का जब बड़ा होता है तो राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है और सती प्रथा को उखाड़ फेंकता है। ये होता है संकल्प की शक्ति, ये होता है संकल्प बल का पावर। 8 साल के बच्चे ने ठाना कर करके दिखाया, मात्र 7 साल 8 साल 10 साल का लड़का था प्रहलाद, उसने जब संकल्प लिया कि भगवान का दर्शन करेंगे करेंगे करेंगे, भगवान को खंभा फाड़ करके आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। मात्र 8 साल 10 साल का लड़का था ध्रुव, उसने सोचा कि भगवान का दर्शन करेंगे तो करेंगे, माँ कहती थी कि भगवान को पुकारोगे सच्चे दिल से भगवान आते हैं, पुकारता है भगवान को भगवान आते हैं, आकर के आशीर्वाद देते हैं। और आज भी ध्रुव तारा के नाम से वो आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है, आज भी आसमान में वो चमक रहा है। मेरे मित्र, सारी बल छुपी हुई है संकल्प में, सारी बल छुपी हुई है संकल्प में। व्यक्ति में बहुत बल नहीं होता, एक व्यक्ति अगर कोई होता है उसकी भुजाओं में अगर बल है तो अपनी भुजा के बल पर 10 लोगों को पराजित कर सकता है, 20 लोगों को हरा सकता है, 30 लोगों को मार सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर विनम्रता पूर्वक दोनों हाथों को जोड़ना सीख ले तो करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज कर सकता है, एक साथ करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर सकता है। इतनी शक्ति होती है विनम्रता में, इतनी शक्ति होती है हमारे अंदर की शालीनता में।
कई सारे लोग कहते हैं नहीं साहब हमारे पास तो बहुत सारा रुपया है, पैसा है, पावर है, तो पावर का उपयोग करेंगे लोगों को कष्ट पहुंचाने में, लोगों को कठिनाइयां देने में पावर का उपयोग करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो कठिनाइयां देंगे, पावर का उपयोग उन सारी चीज़ों में करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उनको देखेंगे कि आने वाले समय में वो कष्ट भोगते चले जाते हैं। अपने अंदर के संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। भगवान का जिस समय आंदोलन आता है, भगवान अपना काम कराने के लिए लोगों को खोजता है। अब आप कहोगे भगवान को लोगों की क्या जरूरत है, भगवान लोगों को क्यों खोजेगा, भगवान को भी काम करने के लिए व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और वो भी खोजता है कि मेरा काम कौन करेगा, भगवान का काम कौन करेगा, तो जो भगवान का वंशज होगा वो करेगा, जो जिसमें भगवान जैसा गुण होगा भगवान का काम वो करेगा। राम को जरूरत था रावण को मारने का, रावण बहुत अत्याचार करता था, भारत की संस्कृति का अपहरण कर करके ले गया। भारत की संस्कृति कौन, सीता माता का अपहरण करके ले गया। उस समय आप कह सकते हो पहला किडनैपिंग का केस था, पहला किडनैपिंग का वो केस था, सीता जी का अपहरण कर करके रावण ले गया। राम के सामने चुनौती आई, रावण का वध करना है। सारे राजा महाराजाओं के पास मैसेज भेजा जाने लगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, संस्कृति को जा करके वहां से लाना है और ला करके रावण का वध करना है। सारे राजा महाराजाओं ने संदेशा भेजा कि राम इस समय तो आप खुद वनवास में है, इस समय तो आपके पास ना तो सैनिक है, नहीं अस्त्र शस्त्र है, कैसे उस चक्रवर्ती सम्राट का आप सामना करोगे। हम आप अगर आपके अभियान में शामिल होते हैं तो निसंदेह रावण के हाथे कुसमय मारे जाएंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। कोई राजा महाराजा साथ देने के लिए नहीं आता है। एक बेचारा दुखियारा राजा था, रावण उसको लात मार करके अपनी सभा से बाहर निकाल देता है। रावण का छोटा भाई विभीषण, वो मजबूरी में आ जाते हैं राम के पास और आकर के कहते हैं प्रभु मैं आपके साथ हूँ। एक और राजा था जिसे उस लात मार करके उसके बड़े भाई ने सभा से निकाल दिया था, जिसका नाम था सुग्रीव, वो भी व्यवस्था पूर्वक आकर के राम के अभियान में जुड़ते हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ हूँ। जाकर के भगवान सुग्रीव से कहते हैं कोई मेरा काम करने के लिए नहीं आएगा, मैं रिक्ष बानरों से अपना काम करा लूंगा। रिक्ष मतलब भालू, बानर तो आप सभी जानते ही हैं किसे कहते हैं, रिक्ष बानरों से मैं अपना काम करा लूंगा। सुग्रीव से भगवान राम कहते हैं जाओ जाकर के बानरों के टीम को बुला करके ले आओ, जाओ जाकर के रिक्ष के टीम को बुला करके ले आओ। सुग्रीव जाते हैं जंगलों में बुलाने के लिए, कोई बानर यहाँ आम तोड़ रहा है, कोई लीची तोड़ रहा है, कोई अमरूद के पेड़ पर टंगा हुआ है। सुग्रीव के मन में संदेह होता है कि रावण के पास ऐसा धनुर्धर योद्धा है, रावण के पास ऐसे चक्रवर्ती योद्धा है, उन सब के सामने ये बानर भालू क्या टिकेंगे जो कोई आम तोड़ रहा है, कोई लीची खा रहा है, कोई अमरूद नोच रहा है, ये सब रावण के सिर के सामने कैसे टिकेंगे, रावण तो इसे देखते देखते रावण मसल देगा। फिर मन में ये बात आती है कि भगवान राम ने अगर आदेश दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा, भगवान राम का अगर आदेश है तो ये निरर्थक नहीं होगा। सबको बुला करके ले आते हैं, एक बार कहते हैं राम का अभियान है कौन चलोगे मेरे साथ, सारे बानर भालू उतर जाते हैं, वहां से उतर करके पहुंच जाते हैं कहां पर, भगवान राम के पास। भगवान राम कहते हैं सब लोग पहले बैठ जाओ, तो बंदर सब कूदते 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 बैठ जाता है, सारा बेचारा बैठ जाता है। भगवान राम आते हैं संबोधित करने के लिए सबको, आकर के कहते हैं कि संस्कृति का अपहरण हो गया है, माँ सीता जी का अपहरण हो गया, चलोगे ना रावण को मारने के लिए। हाँ प्रभु चलेंगे रावण को मारने के लिए। कौन कह रहा है, बंदर कह रहा है सब, कौन कह रहा है, भालू कह रहा है सब, किसको मारने के लिए, रावण को मारने के लिए। आप कल्पना करो रावण को मारने का संकल्प किसने लिया, बंदर भालुओं ने, जो थोड़ी देर पहले आम के पेड़ पर बैठे हुए थे। वो बानर किसको मारने का संकल्प लेते हैं, रावण को मार करके आएंगे। अच्छा रावण को तुम लोग मार दोगे, इतना साहस तुम लोगों में कैसे आएगा, पहले पहुंचोगे कैसे तुम लोग रावण के पास, सब सोच में पड़ जाता है पहुंचेंगे कैसे रावण के पास, सही प्रश्न है। इतना बड़ा समुद्र है, तैरना तो हमें आता नहीं है, सैनिक को नाव से ले जाना, इतना सेना को नाव से ले जाना संभव भी नहीं है। सब बेचारा माथा पर हाथ धर करके सोचने लगता है क्या करे क्या करे क्या करे, भगवान राम का काम करना है, मन में छटपटाहट है कैसे जाए सैकड़ों योजन का समुद्र लांग करके। दो बानर उसमें से निकल करके आते हैं भीड़ में से और आकर के कहते हैं प्रभु हम लोग इंजीनियर हैं। राम कहते हैं इंजीनियर हो तुम लोग, क्या करोगे, फिर हम लोग पुल बांध देंगे। वो बानर कहते हैं हम लोग पुल बांध देंगे, हम लोगों ने इंजीनियरिंग कर करके रखा है। अच्छा IIT पास हो तुम लोग, किस चीज से पुल बांधोगे जी, हम तो पुल बांध देंगे प्रभु। नल और नील दो बानर निकल करके आते हैं और समय कम समय में अल्प समय में बिना पाया का, समुन्द्र के अंदर एको पाया नहीं था, बिना पाया का पुल बांध करके तैयार कर देते हैं। आप कल्पना कर करके देखिए, श्वेत बांध रामेश्वरम बांधा जाता है समुद्र के ऊपर और बहुत कम समय में वो पुल तैयार होता चला जाता है। बंदर का दिमाग क्या था, भगवान राम का नाम लिख करके उसको पत्थर को पानी में फेंक देंगे, वो पत्थर डूब नहीं सकता है क्योंकि भगवान का नाम लिखा हुआ है, वो पत्थर तैरेगा ही। भगवान राम बेचारे बैठे हुए थे, वो देख रहे थे बंदर सब इतना मेहनत कर रहा है पत्थर के ऊपर, मेरा नाम लिख करके फेंक रहा है, पत्थर तैर रहा है, हमको भी कुछ इन लोगों का मदद करना चाहिए, हम यहाँ बैठे हुए ये सब इतना मेहनत कर रहा है। भगवान सोचते हैं कि इच्छा ऐसा तो नहीं कि हम अपना नाम लिख करके
पत्थर को पानी में फेंकेंगे, कहीं पत्थर डूब गया तो सब कहेगा कि हम लोग फेंक रहे हैं तो तैर रहा है, भगवान डाल दिए तो डूब गया पत्थर, सबके मन में अविश्वास पैदा हो जाएगा। काफ़ी दुविधा में थे प्रभु, फिर सोचते हैं कि कुछ तो चेक करना चाहिए। एक बार एक पत्थर लेते हैं, पत्थर पर अपना ही नाम लिखते हैं राम, और लेकर के जाते हैं कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पर बानर नहीं था, समुद्र के दूसरे किनारे पर चले जाते हैं, आगे पीछे देखते हैं कोई है तो नहीं, कोई नहीं है, ठीक है पत्थर को पानी में फेंकते हैं। जैसे ही पत्थर पानी में फेंकते हैं वो पत्थर नीचे डूब जाता है। अब बेचारे भगवान परेशान होते हैं, कहीं कोई बानर देख तो नहीं लिया, पीछे घूमते हैं तो हनुमान जी बैठे हुए हैं। अब भारी समस्या, हनुमान तुमने क्या देखा? हनुमान जी कहते कुछ नहीं देखा प्रभु। क्या देखा? कुछ नहीं देखा प्रभु, अभी पत्थर पानी में डूब गया, तुमने तो देख लिया, किसी से कहना मत। फिर हनुमान समझाते हुए कहते हैं प्रभु इसमें दुविधा में पड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो भगवान पूछते हैं कि कैसे बात नहीं है, वो सब बानर सब डाल रहा है तो तैर रहा है, हम डाले तो डूब गया। अब हनुमान समझाते हुए कहते हैं कि प्रभु बात ऐसी है कि हम लोग तुच्छ बानर हैं, भगवान बात ऐसी है हम लोग साधारण से मनुष्य हैं, साधारण से जानवर हैं, इंसान हैं, और हम लोग राम का नाम ले करके अगर पत्थर को समुंदर में डाल रहे थे तो प्रभु आपके नाम में इतनी शक्ति है कि उसे डूबने से बचा ले रहा था, लेकिन जिस चीज़ को आप स्वयं अपने हाथों से फेंक दोगे पानी में उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, उसे प्रभु डूबना ही पड़ेगा, वो नीचे जाकर बैठेगा उसको।